नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से बचना है तो घर में रहिए, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, दूसरों को भी सचेत कीजिए, ये कहना है सरकार का। इसी शर्त पे सरकारी कार्यालय और निजी कार्यालय खोले गए थे कि आप कम से कम स्टाफ में काम चलाएंगे और इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सरकारी दफ्तर की है। सरकारी दफ्तर में अपने अधिकारी को मास्क पहनने के लिए टोकना दिव्यांग महिला को भारी पड़ गया। महिला के टोकने से अधिकारी इतना नाराज हुआ कि गुस्से में वो लाल पीला हो गया और अचानक हमला बोल दिया। सहयोगी महिला को बचाने की कोशिश करते रहे और वो अधिकारी महिला को पीटता रहा। ये पूरा का पूरा वाकया जो है CCTV कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। दिव्यांग महिला संविदा कर्मचारी बताई जाती है और जो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है उसके अनुसार अधिकारी दफ्तर में बिना मास्क के नज़र आ रहा है। महिला द्वारा कुछ टिप्पणी करने के बाद वह गुस्से में लाल हो गया, महिला पे टूट पड़ा। फिर किसी तरीके से और कर्मचारियों ने, सहयोगियों ने महिला को बचाने की कोशिश की। इसके बावजूद आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस तरीके से वो कर्मचारियों के हाथ से निकल करके महिला को पीटता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे शेयर हुआ, तूफान मच गया है। YCRC पार्टी के जो महासचिव हैं एस राजीव कृष्णा, उन्होंने टिप्पणी करते हुए सख्त लहजे में कहा कि इस तरह का बर्ताव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो में हमला करते हुए नज़र आ रहे शख्स को बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने ट्विटर के जरिए पुलिस से कहा कि इस मामले में जल्दी हस्तक्षेप करके कार्रवाई करें। उधर ANI के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि पुलिस ने इसको लेकर के मामला दर्ज कर लिया है और प्रारंभिक जाँच में जो बातें सामने निकल करके आ रही है उसके मुताबिक अधिकारी और महिला में कुछ पहले से अनबन थी। संभवतः महिला ने जब मास्क के लिए टोका तो पुरानी बातों को याद करके अधिकारी जो है आग बबूला हो गया और अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने हमला बोल दिया। उसने ये सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं कि जिस दिव्यांग महिला पर वो हमला कर रहा है वो अपना बचाव करने लायक भी नहीं है और फिर जो है हम किस पर हमला कर रहे हैं, क्यों हमला कर रहे हैं। उसने मास्क पहनने के लिए ही तो टोका है। यदि कोई पहले से अनबन या झगड़ा था भी तो भी आप मास्क पहनने के लिए टोकने पे किसी पे हमला कैसे कर सकते हैं। ये तो एक ऐसा वाकया है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो फिर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मजबूर हो रही है। लेकिन आप पाएंगे कि कॉलोनियों में, बाजारों में, सड़कों पे अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिल जा रही है। कुछ लोग सचेत नज़र आएंगे, आपको मास्क लगाए नज़र आएंगे, दूरी बना करके चलते नज़र आएंगे, तो कुछ लोग ऐसा लगेगा जैसे कि पास से निकलते हुए ज़बरदस्ती करते हुए से दिख रहे हैं, टोकने पर आग बबूला हो जाते हैं। फिर जो है कॉलोनियों में भी ऐसी खबरें आई हैं कि वो गेट पर गार्ड से झगड़ा करते हैं, जैसे किसी के लिए कहो कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, मास्क पहनो, तो वो आग बबूला लोग हो जा रहे हैं, यानी कि वो अपने पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मौके की नज़ाकत हकीकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसे में कैसे लड़ेगी सरकार अकेले कोरोना से। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था सिर्फ
कोरोना से नहीं लड़ सकती, और ऐसे लोगों को तो जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो कम है। बात ये आ रही कि अब इनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना।